हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ीशान A.S पर। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करके फ़ायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हमदर्द की एक मेडिसिन की बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है सोयालीन। देखिएगा आप आराम से देखिए, स्क्रीन पर भी आप फ़ोटो देख सकते हैं। सोयालीन है और हमदर्द कंपनी की ये अपनी खुद की पेटेंट दवा है और इसको यूनानी मेडिकल स्टोर पर आप आसानी से ख़रीद सकते हैं। एलोपैथी मेडिकल स्टोर पर भी ये चीज़ आसानी से मिल जाती है। बहुत मशहूर मेडिसिन है ये। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम सोयालीन क्यों रखा गया, कौन कौन से मर्ज में, कौन सी परेशानियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन सी दवाएँ शामिल की गई हैं और इसकी डोज़ या मकदार खुराक क्या है, अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो क्या है, ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाने वाला हूं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन का बटन है उसको ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन या अपडेट आपको मिलती रहे। आप वीडियो देख करके पहले फ़ायदा उठा लें ताकि दूसरों को भी शेयर कर सकें। तो दोस्तों, अब मैं सबसे पहले इसमें बात करूँगा कि इसका नाम सोयालीन क्यों रखा गया। देखिए, सोयालीन जो है सवाल से बना है। सवाल का मतलब होता है खांसी, कफ। इसके उसी बेस पे इसका नाम सोयालीन रखा गया, मतलब खांसी में इस्तेमाल होने वाली दवा। ठीक है, अब इसके बाद में इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसका जो सबसे ख़ास फ़ायदा है वो है गले की खराश को दूर करता है। जिन लोगों के गले में खराश रहती है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ फंसी हुई है, या मतलब बलगम फंसा हुआ है, या फिर हल्की सी खांसने के बाद गले में से बलगम निकल के आ जाता है और गला साफ़ हो जाता है, तो उस परेशानी को ये दूर करती है। सोयालीन जो है उस परेशानी को दूर करती है। कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। उसके बाद जिन लोगों के खांसी की शिकायत है, ड्राई और वेट दोनों ही कफ में ये काम करती है, मतलब सूखी खांसी में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। उसके बाद जो बलगमी खांसी होती है, जिन लोगों के बलगम की शिकायत रहती है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, उन लोगों के लिए भी उतनी ही मुफीद है जितना सूखी खांसी वालों के लिए मुफीद है। ये तो इसके ख़ास फ़ायदे की बात है। अब अगर बात करें कि और इसके आगे क्या क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए, ब्रोंकाइटिस जो लंग्स की एक बीमारी होती है जिसमें हल्की हल्की खांसी आती है, बलगम भी आ सकता है, उस मर्ज़ को भी दूर करने, यानी कि ब्रोंकाइटिस को भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ज़्यादा इसमें मुफीद है। देखिए, इसके ये तो फ़ायदे की बात है, और भी इसके कई सारे फ़ायदे हैं। गले को ठंडक पहुँचाती है, गले में अगर दर्द वगैरह है तब भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दर्द में फौरन आराम देती है। देखिए, जो भी मैंने परेशानियां बताई हैं, उन तमाम परेशानियों में, बीमारियों में ये जो सोयालीन है फौरन असर करती है, क्योंकि ये डायरेक्ट खाई नहीं जाती। इसका जो इस्तेमाल का तरीका है, इसको चूसा जाता है, मुँह में रख के इसको छोड़ दिया जाता है और ये घुल के अपने आप इसका रस जो है गले में जब जैसे ही पहुँचता है तो फौरन असर करता है। ये इसकी खास फ़ायदा है। इसके और भी फ़ायदे हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इसमें कौन कौन सी दवाएं शामिल की गई हैं। तो देखिए, बांसा, मुलैठी, तुलसी, ये तो ख़ास दवाएं हैं। उसके अलावा भी 10-12 दवाएं इसमें और शामिल करके ये बनाई गई है। देख कैसी टैबलेट होती है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। किस तरह की कुर्स होती हैं ये, कुर्स मतलब फ्लैट जो गोली होती है उसको कुर्स कहा जाता है यूनानी में। तो और इसके MRP की अगर बात करें तो 60 टैबलेट 65 रुपये की आसानी से मिल जाती है। और उसके बाद इसके अलग अलग स्ट्रिप में 4-4 टैबलेट भी आती हैं, 5-5 रुपए की, 6-6 रुपए की। तो इस तरह से भी आप एक पत्ता लेकर के, अगर आपको गले की खराश है, गले में भारीपन या दर्द वगैरह रह रहा है, तो आप ये चीज़ एक पैकेट खरीद के, यानी 4-5 रुपए का पैकेट भी खरीद करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो हूँ यूनानी दवाओं की आप लोगों तक जानकारी पहुँचाता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि ये भी यूनानी दवा है, इसलिए आप तक जानकारी पहुँचा दूँ। अब अगर डोज़ की बात करें, डोज़ या मकदार खुराक की बात करें, तो ये जायके में तो देखें बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा जायका होता है इसका। तो इसकी जो डोज़ है, एक टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम, तीनों वक्त जो परेशानियां मैंने बताई हैं गले से रिलेटिव, या एक चीज़, एक फ़ायदा और है इसका, जो जिन लोगों का आवाज़ बैठ जाता है, या ज़्यादा बोलने से, चीखने चिल्लाने से आवाज़ फट जाती है, या हलक से बिल्कुल आवाज़ आना बंद हो जाती है, वो लोगों की आवाज़ भी खुल जाती है इससे, और वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका यह है कि टैबलेट मुंह में रख लें और ये घुलती चली जाएगी अंदर को। इसको वैसे चबा करके भी ले सकते हैं, डायरेक्ट पानी से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका इसका यह भी है, 2 या 3 टैबलेट पानी में लेकर के गर्म कर लें, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें
और उसको फिर पिए, तो ये भी इसमें भी आप जो परेशानियां मैंने बताई इस तरह से भी ये काफ़ी फायदा। तो ये हुए दोस्तों इसके फ़ायदे और फंक्शन और इस्तेमाल की बात। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? तो देखिए इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको कोई भी नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर लोग नॉर्मली ही अपने ज़बान में या मुँह का जायका अच्छा करने के लिए या मुँह की बदबू ख़त्म करने के लिए भी इसको लोग अपने मुँह में रख लेते हैं। तो इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस ये है कि बच्चों को दे रहे हैं तो डोज कम कर दें, आधी टैबलेट कर दें, और अगर बड़े हैं तो एक टैबलेट ले रहे हैं। बस ये है कि ये खाने में अच्छी होती है, यानी कि जब इसको हम मुँह में रखते हैं तो इसका जायका जो है टेस्टी होता है, तो ज़्यादा ना खाएं टेस्ट की वजह से, बस ये है, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि सवालिन के क्या क्या फ़ायदे हैं, और जो मैंने वीडियो बनाई है उसको ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आप हमारे ज़रिए किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सारे तमाम बीमारियों का यूनानी दवाओं से इलाज किया जाता है, आपके घर बैठे भी दवा पहुँचाई जाती है, तो अगर आपको कोई इस तरह की ज़रूरत है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो लाइक की होगी, शेयर भी करेंगे, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।